अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज Z5 के साथ बिल्कुल फ्री। अगर मूड अच्छा है तो सब कुछ ठीक है, सब नॉर्मल है। मुझे बोलने देगी, मुझसे बात करेगी, गिफ्ट भी देने देगी, लेकिन जब मूड खराब होता है ना, उसका जब मूड खराब होता है तो मुझे कुछ कहने नहीं देती है, सिर्फ अपनी चलाती है। और मैं क्या करता हूँ, उसकी बात मान भी लेता हूँ, सब कुछ सुन लेता हूँ, जो जो बोलती है सब मान लेता हूँ। लेकिन अब नहीं, बस अब कुछ ज्यादा ही हो गया, अब सच में कुछ ज्यादा ही हो गया, पानी सर के ऊपर चला गया। मैं भी नहीं सुनूंगा, मैं भी नहीं सुनूंगा, मैं भी देखता हूँ कैसे, सिर्फ मैं बोलूंगा। तुम्हें मेरी टोन पसंद हो या ना हो, मुझे जो कहना था वो मैं कह के रहूंगा। अभी थोड़ी देर पहले तुमने क्या कहा था मुझसे, कि तुम्हें एहसास हुआ है कि मैं मलिष्का से शादीशुदा हूँ। और मैंने तुमसे क्या कहा था, कि तुम्हारी याददाश्त कमजोर हो चुकी है। ये बिल्कुल सच बात है कि तुम्हारी सच में याददाश्त कमजोर हो चुकी है, पर कोई बात नहीं, मैं तुम्हें याद दिला देता हूँ। लक्ष्मी वो तुम ही हो जिसने भरी अदालत में ये कहा था कि मलिष्का और मेरी शादी इलीगल है, मतलब गैर कानूनी। आया याद? और कोर्ट ने भी अपने सारे फैसले, ऑलमोस्ट सारे फैसले तुम्हारे फेवर में दिए। क्यों? क्योंकि तुम बिल्कुल सही थी। इसलिए जो ये तुम्हारा फितूर है ना, कि तुम्हें एहसास हुआ कि मलिष्का और मेरी शादी हो चुकी है, हम शादीशुदा हैं, ये बिल्कुल गलत है। आई होप ये प्रूफ कर चुका हूँ मैं अभी तक। और अब तो तुम्हें पता चल ही गया होगा, मैं तुम हम दोनों कहें या ना कहें, कोर्ट ये बात कह चुकी है कि हम दोनों शादीशुदा हैं, हमारी शादी लीगल है। अगर हम दोनों शादीशुदा हैं, हमारी शादी लीगल है, तो मलिष्का तुम्हारे रूम में क्या कर रही है? कोई वजह है उसकी तुम्हारे पास? गुड गुड पॉइंट, बिल्कुल सही कहा तुमने, वैलिड पॉइंट एकदम तुम्हारा। अगर शादी हमारी हुई हुई है, हमारा रिश्ता लीगल है, तो मलिष्का क्या कर रही है हमारे रूम में? इसे भी अभी ठीक करता हूं। ऋषि, ऋषि, ऋषि क्या कर, ऋषि, ऋषि क्या कर रहे हो तुम? ऋषि, ऋषि, ऋषि क्या कर रहे हो तुम? जो गलत हो रहा है ना, उसे सही करने जा रहा हूं। ऋषि, ये जो तुम कर रहे हो, ये बिल्कुल भी सही नहीं है। ऋषि प्लीज प्लीज मत करो, ये सब बंद करो, ये तमाशा। तमाशा? मैं कोई तमाशा नहीं कर रहा हूँ लक्ष्मी, बिल्कुल भी तमाशा नहीं कर रहा हूँ। तुम ना, हाँ बहुत कर चुकी हो सच में, लेकिन तुमने बिल्कुल वैलिड पॉइंट कहा कि शादी हमारी हुई है तो मलिष्का हमारे रूम में क्या कर रही है। बस इसी गलती को सही करने जा रहा हूँ मैं अभी, अभी अभी करूंगा सबसे। ऋषि प्लीज, प्लीज मेरी बात सुनो पहले। लक्ष्मी, ऋषि क्या कर रहे हो तुम? छोड़ो वो, ऋषि चलो, ऋषि ऋषि छोड़ो मुझे, ऋषि प्लीज, ऋषि, 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 ऋषि क्या कर रहे हो तुम? ऋषि प्लीज, ऋषि, ऋषि क्या कर रहे हो तुम? लक्ष्मी ऐसे रिएक्ट मत करो जैसे मैं कुछ गलत कर रहा हूँ, इनफैक्ट मैं गलत को सही करने जा रहा हूँ। प्लीज रुको, ऋषि प्लीज रुक जाओ। क्यों, क्यों रोक रही हो आप मुझे? लक्ष्मी तुमने जो सवाल किया ना मुझसे, वो बिल्कुल सही है, 100% वैलिड है। इसलिए तुम्हें अपने साथ लेकर जा रहा हूँ, तुम्हें बताने के लिए, तुम्हें यकीन दिलाने के लिए कि जो भी कर रहा हूँ बिल्कुल सही कर रहा हूँ। एक बार सिर्फ मुझ पर यकीन करके देखो, तुम्हारा साथ ही दूंगा। और मलिष्का से कह भी दूंगा कि वो हमारे कमरे से बाहर चली जाए, हमारे मतलब मेरे और तुम्हारे। हाँ मैं कह दूंगा, इनफैक्ट अच्छी बात है ना, उसे भी पता चलना चाहिए कि मेरी असली पत्नी कौन है। चलो प्लीज, तुम्हें क्या लग रहा है, जैसा तुम चाहते हो वैसा ही होगा क्या? पर मैं गलत क्या कर रहा हूँ? नहीं मुझे बताओ ना, मैं गलत क्या कर रहा हूँ लक्ष्मी? अच्छा अब तुम मुझे बताओ, तुम बताओ मुझे, मलिष्का और मैं शादीशुदा हैं या नहीं? क्या जवाब दोगे, क्या कहोगी तुम, क्या कहोगी कि जज ने कोर्ट में जो कुछ भी कहा वो गलत था, नशे में आकर जज ने अपना फैसला सुना दिया, ये कहोगी तुम? नहीं बताओ ना मुझे, ये कहोगी तुम? अब चुप, मैं कमरे में जा रही हूँ। लक्ष्मी अपने मामले में ना कभी भी मेरा एग्जाम मत लेना, हमेशा पास हो जाऊंगा, हमेशा। लक्ष्मी वो तुम हो जो एक कदम भी आगे बढ़ना नहीं चाह रही हो, वो तुम हो जो आगे बढ़ने से हिचक रही हो, वो तुम हो जिसे हमारे रिश्ते पर मुझ पर शक है, मैं नहीं लक्ष्मी। लक्ष्मी तुम जो कुछ भी कहोगी करोगी, या फिर मुझे हर्ट भी क्यों ना कर दो, मैं इंतजार करूंगा तुम्हारा, मैं इंतजार करूंगा, और इंतजार तब तक करूंगा जब तक तुम्हारे दिल और दिमाग में मुझे लेकर जितने भी डाउट्स हैं, जितनी भी शिकायतें हैं, वो दूर ना हो जाएं, वो क्लियर ना हो जाएं। मैं इंतजार करूंगा जब तक तुम हमारे रिश्ते में आगे ना बढ़ो, हमारे रिश्ते को एक मौका ना दो, मैं इंतजार करूंगा। लक्ष्मी मैं मानता हूं
हमारे पास में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हुई हैं जो नहीं होनी चाहिए। हमारे पास ने बहुत सारी चीज़ें फेस की हैं, बहुत हर्टफुल रहा है हमारा पास्ट, लेकिन वो पास्ट था, बीता हुआ कल था, जो बीत गया है। मेरे पास सिर्फ आज है लक्ष्मी, सिर्फ ये वक्त है, आज का वक्त है। एंड मैं तुमसे वादा करता हूँ लक्ष्मी, मैं इस वक्त को इतना अच्छा बनाऊंगा कि हमारा बीता हुआ कल हमारे इस आज के वक्त के आसपास भी ना पाए, उसकी परछाई तक नहीं पड़ेगी हमारे इस आज पर लक्ष्मी। और ये सिर्फ तभी पॉसिबल होगा जब तुम अलाउ करोगे, जब तुम खुद एक कदम आगे बढ़ाओगे, सिर्फ तभी पॉसिबल है लक्ष्मी। लक्ष्मी जोशी, प्लीज ये सब बड़ी बड़ी बातें करना बंद कर। तुम यही करते हो, बस बड़ी बड़ी बातें करते हो और फिर लक्ष्मी एक बार से भरोसा करके तो रोहन तू ठीक है ना बेटा? लगी तो नहीं ना? ठीक है, मैं ठीक हूँ। पर क्यों? क्यों मतलब तू गिर गया था ना? अरे गिरते तभी तो बड़े होते, पूछ लो माँ से। हाँ और वैसे भी हम खेल रहे थे और खेलने में तो गिरते ही है ना रेड। हाँ देखो हम बड़े भी हो रहे हैं। रोहन काला कुत्ता आ रहा है क्या? काला कुत्ता? हाँ एक बार सर टकराने के बाद दूसरी बार नहीं टकराओ तो काला कुत्ता काट लेता है। ओ अच्छा समझ आया। आप दोनों भी समझे, जल्दी सर टकराओ नहीं तो काला कुत्ता काट लेगा। क्या कर रहा है? अरे मैंने कुछ नहीं किया, काला कुत्ता आ रहा है शायद, तभी उसने ऐसे किया। ध्यान से सुन, भाव भाव भाव। देखा फिर से क्या? हाँ काला कुत्ता ही आ रहा है, जल्दी से टकरा लो नहीं तो काला कुत्ता काट लेगा। टकराओ जल्दी, टकराओ। हाँ जल्दी, काला कुत्ता काट लेगा। हाँ करो करो, टकराओ। तुम ठीक हो? आप ना ऐसे अच्छे बच्चे बन के रहा करो, अच्छे लगते हो। हाँ पर ये क्या है? आप लोग कहीं बाहर जा रहे हो क्या? हाँ बाहर। नहीं बेटा। तो ये सूटकेस क्यों? उसमें कपड़े हैं। नए कपड़े हैं उसमें। वो कल बप्पा का विसर्जन है ना, तो उसके लिए नए कपड़े पहनने, तो उसमें वो नए कपड़े हैं। अच्छा चलो फिर, तुम्हारे नए कपड़ों वाला बैग तुम्हारे रूम में रख देता हूँ, तुम्हारे रूम में। नहीं कोई जरूरत नहीं, मैं रख लूंगी अपने कमरे में। लक्ष्मी और तुम दोनों, पता है कितनी रात हो गई है? इतनी रात को कोई खेलता है? सोने का टाइम है, चलो अब चलो चलो। Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।